लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सीमा मैडम ऐसे मत रोए, इस तरह रोता देख के मेरे कहीं आंसू ना निकल जाए। जब तक मेरा बच्चों का नहीं आएगा मैं इसी तरह रोती हूँ। जब बच्चों आएगा तो बस फिर वो रोता रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है वो होता है ना, वो बीवियाँ इतनी टेंशन देती है, किशोर घर छोड़ छोड़ के भाग जाते। अच्छा आप दोनों मुझे एक बात बताए, जब बच्चों घर से गया तो आप लोगों को क्या बता के गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वाह वाह भाई बहुत अच्छे, बेवकूफी की लालटन से निकले हुए अंधेरे, अगर हमें पता होता तो हम आपको यहाँ मधु क्यों करते? ओहो पेक साहब कल रात बगैर बताए ही चला गया घर से। अच्छा तो ये बताए उसने जाने के बाद आप लोगों को कॉल करके बताया कि मैं कहाँ हूँ? पेक साहब ये बताए किस आदमी ने आपको पुलिस में भर्ती किया, नाम बताए। क्यों मैं उसके कदम चूम लूं? भाई अगर ये हमें पता होता तो हम क्यों बुलाते आपको? पेक साहब आप ये बताए मोहल्ले में चेक किया आपने उसको? नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर मोहल्ले में किसी ने मुझे चेक कर लिया तो। क्या मतलब है आपका? इनका मतलब ये है कि अगर ये बगैर वर्दी के बाहर घूमे ना तो पुलिस वाले इन्हीं को ही मोबाइल में बिठा लेते हैं। जानी साहब मुझे तो लग रहा है कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सर मैं तो इजाफा कर रहा हूँ। बेग साहब वैसे एक बात बताइए, अच्छा पुलिस बनने वाले के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा पुलिस वाला बनने के लिए इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए। तो आपने कभी कोशिश नहीं की? किस चीज की? इंसान बनने की? अरे भाई बहुत की, काफी कोशिश की है, बल्कि बहुत सारी औरतें तो मुझे कह भी चुकी हैं। क्या? इंसान के बच्चे बनो। बेग साहब मुझे नहीं पता, आप ही सारी बातें छोड़ो, मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के लाके दे, मेरा एक ही दशा है मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा आप फिक्र नहीं करें, घबराए नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर बंदा है किधर। हाँ, अब आप जाएं और ढूंढें, ढूंढें उसको। ठीक है मैं चलता हूँ। एक नंबर दूध अटेंशन नहीं, मैं कराता हूँ। ठीक है। उफ मेरे खुदाया। जानी भला क्या हुआ? आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अस्पताल में, थानों में, अखबार में, मस्जिद में, हर जगह ऐलान करा दिया मैंने, बस इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगे। अरे बाबा क्या हो गया, मैं खाने की पूछ रही हूँ कि खाने में कुछ बना? कितनी बेहिस औरत हो भाई, गायब हो गया तो मैं खाने की पड़ी हुई। अरे बाबा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, गाँव गया होगा वापिस आ जाएगा। जानी जानी बताओ कुछ पता चला? अरे बाबा कुछ नहीं पता चला, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, बेचारे पर इतना रोब डरती थी ना, डर के भाग गया। हाँ हाँ तुम्हारा भाई तो ऐसे छोटे से बिल्ली का बच्चा ना, डर के चला गया। पता है सब गुजन में अपने कानों से सुनती थी, तुम इसको इतना डांटती थी, इतना लड़ाई करती थी बेचारे से। कानों से ही सुनोगी क्या, कान किराए पे मंगवाओगी क्या? अरे भला परेशानी की क्या बात है, आ जाएगा, ये कोई मसले की बात ही नहीं है। वैसे एक बात है, हमारे यहाँ हर मसले का हल है लेकिन मसला दूसरे का हो। वैसे अल्लाह खैर करे, जानी बच्चों का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? एक्सीडेंट तो मुझे याद आया कि अमेरिका में अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो लोग कहते हैं अल्लाह खैर करे, यहाँ एक्सीडेंट होता है और चलाओ तेज। हो सकता है कि आधा का किसी के साथ झगड़ा हो गया। हाँ और झगड़े से भी मुझे एक बात याद आ गई, पहले झगड़े होते थे लोग छुड़ाते थे, भाई हट जाओ मत लड़ो, भाई भाई रहो, अब झगड़ा होता है ना लोग मोबाइल निकाल के क्लिप बनाते और फेसबुक पे अपलोड। मैं ना जाके फेसबुक पे वीडियोस देखती हूँ, हो सकता है कुछ पता चल जाए, अभी देखती हूँ फेसबुक। अच्छा बताओ मुझे यार ये सारे समझदार लोग मेरे नसीब में क्यों है? आइए आइए बच्चू साहब आइए, ये आपका ही घर है बच्चू साहब। अरे भाई क्या हो गया आपको, कुछ याद आया? पी प्याला सबर का, कोई साथी नहीं कबर का। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। समझाएगा, अमावस की रात में फोन था मेरे हाथ में, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे तेरी हर बात में। बच्चू भाई मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
रिश्वत लेता है, झूठे केस बनाता है। माफी मांग अल्लाह से, अल्लाह से डर, मत डर। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। चला जा यहाँ से मर्दूद, कर पसंद कर दूंगा तुझे। चला जा मर्दूद, चला जा यहाँ से। अरे अरे खैरियत, कहाँ भागे जा रहे? बच्चों को कुछ पता चला? हाँ हाँ, बच्चू आ गया, अंदर ड्राइंग रूम में बैठा है। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बेग साहब को? चलो बच्चू भाई तो आए। बच्चू भाई कहाँ चले गए थे आप? पता है आपको घर वाले कितने परेशान थे? तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? बदतमीज, तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? क्या हो गया? तबीयत तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है। सलाम किया तुमने? बदतमीज। मैं सलाम कब करता था आपको? बदबू आ रही है, जाके ना। क्या हो यार? ओ भाई, रोज नहाता हूँ मैं। शर्म नहीं आती? रोज नहाते हो, पानी जाया करते हो इतना सारा। स्कूल गए थे, सिपारा पढ़ा तुमने? अबे क्या हो गया? अबे अबे तबू से बात करते बड़ों से। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन और अंडा भी दे। मुर्गा? अरे बाबा वो जानी बता रहा था, लेकिन कह रहा है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? ये तो ऑपरेशन के बाद पता चलेगा। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? जबान का। जबान का? अरे बाबा बेकी बेकी बातें कर रहे हैं तो जबान का ही ऑपरेशन होगा ना। अच्छा, तो जबान तो तुम्हारी भी बहुत तेज चलती है, तुम्हारी जबान का ऑपरेशन तो होता नहीं। अरे चलती हुई चीजों का ऑपरेशन नहीं होता, चलने दो। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर। अहलुल कुबूर? हम सब जिंदा हैं बच्चों। याद रखें, मुर्दे के कान और नाक में रुई जरूर लगाएं, वरना रूह बाहर निकल सकती है। ये कबर, रूह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बच्चों? हकीकत से कभी दूर ना भागो मेरी बहन। बहन? मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे तो बाजी कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बाजी बहन तो सब ये है तुम्हारी जरीना। तो फिर फुप्पो बन जाए, वैसे भी मार्केट में आजकल फुप्पो बहुत शार्ट चल रही है। अरे अदा क्या हो गया है? ये तुम्हारी बीवी और बहन, मैं हूँ तुम्हारी। देखे, ये हम बहन भाई का मसला है, आप बीच में मत बोले प्लीज। अदा क्या हो गया? ये सीमा है, सीमा तुम्हारी बीवी। खबरदार, बीवी होगी तुम्हारी। अदा छोकरे छोकरे की शादी नहीं होती, क्या हो गया तुम्हें? क्या बात कर रही हो, हमारे कोहकाफ में तो हो जाती है। परसों मैंने वलीमे का खाना खाया है। कोहकाफ में? अदा ये तुम्हारी उर्दू को क्या हो गई? इतनी साफ बला कैसे हो गई? हमारे कोहकाफ में साफ उर्दू बोली जाती है। अच्छा बहनों मेरी बात सुनो, मैं छठे आसमान पर जा रहा हूँ, कोई काम है तो बता दो। नहीं 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 नहीं, ये मेरा बच्चू नहीं है। जानी 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 जानी। मुझे तो लगता है बच्चू भाई कुछ बदल से गए, एक घंटे से मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे हैं। क्या? हाँ मैंने बच्चू भाई से पूछा, ये क्या हमारी तहजीब है? कहने नहीं, मुल्तान वाली बिल्किस है। अच्छा? लेकिन एक बात है, टेंशन नहीं ले, मैंने गौर से देखा मोबाइल था ही नहीं उनके हाथ में। जानी मुझे तो लगता है कि बच्चू ना होश में ही नहीं है, पता है मुझे भी ना कब से बहन बहन कह रहा है। अरे नहीं नहीं, वो होश में कह रहा है। ये बातें छोड़ें, ये बताएं कितनी दफा बहन बोला उसने? दो दफा तो उसने मुझे कह दिया था, तीसरी दफा बोलने ही लगा था मैं वहां से भाग गई। लेकिन आपकी दफा मैं पकड़ लूंगी। बच्चू को? अरे नहीं बाबा, सीमा को। ओ चुप करो, तुम्हारी तो कॉमेडी खत्म नहीं हो रही। जानी तुम बताओ ना, अब हम लोग क्या करें? रक्षा कर लें। हैं? क्या? मेरा मतलब है रक्षा करके डॉक्टर के पास ले चलते। अरे नहीं बाबा, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे अदा के ऊपर मुझे लगता है कि जिन या आसेफ का कोई चक्कर वक्कर है, हमारे गाँव में एक बाबा है उसको बुला लेते हैं, वो अदा का जिन उतार देगा। तुम्हारा जिन नहीं उतारा आज तक? अब मेरे ऊपर कोई जिन मेने का साया वाया नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे ऊपर तो पूरी चुड़ैल है। तुम हो गए चुड़ैल, चुप करो। ओ तुम चुप करो, इसको बकवास करने दो। जानी तुम जाओ, जाके ना कोई वाकई में सही करिए, कोई जादू वादू तोड़ने वाला कोई आमिल बाबा लेके आओ, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ओके आओ मेरे साथ। हम ही आए? चलो चलो चलो। खट्टा मीठा खट्टा मीठा,
बच्चू तुम कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। बच्चू तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं बताऊं। क्या? अब बिजली एडिसन ने इजाद की थी। तो हमने क्या इजाद किया था? लोड शेडिंग। अच्छा, तो फिर तो हम एडिसन के बाप हुए ना? बिल्कुल सही जवाब। अब गाड़ी जीतने में सिर्फ और सिर्फ दो सवाल बाकी रह गए। कौन सी गाड़ी? रेल गाड़ी। चुका चुक चुका चुक चुका चुक सांप बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी। दूध गरम गरम। क्या हुआ? तो दूध बोल गया, अब मम्मी मारेंगे। नहीं 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 बच्चू, मम्मी को मैं समझा दूंगी, तुम रो दो मत। अच्छा ठीक है खाला, फिर मैं जाऊँ मेरी छुट्टी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे आज, यहाँ से यहीं पे रहोगे। बच्चू बस, बच्चू मैं भी रो दूंगी, क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हो जाना यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। पानी सर से ऊपर जा चुका है। कोई बात नहीं, स्विमिंग तो आती है ना। चुप करो, बच्चों की फिक्र हो रही, क्या होगा जाने, हम क्या करेंगे उसका। टेंशन मत ले, मैंने अप्पी को बुलाया, ऐसा आमिल है ना, जो भी असरा तो ऐसे उतारता है बच्चे जैसे पतंग नहीं उतारते तारों से, इस तरह उतारता है। मैं हूं अप्पी, अप्पी आमिल। आप जानी? मैंने ही आपको फोन किया था। सुनिए माफ कीजिएगा, पर आप आमिल तो कहीं से नहीं लगते। भाई आप आमिल ही हो ना? क्या मतलब? आपको शक्ल से क्या मैं प्लम्बर नजर आता हूँ? आमिल ही हूँ। ये बताएं हीरो कहाँ है? कौन हीरो? भाई जिसके इलाज के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो भाई सीधा बोलना इस तरह। मुझे कुछ महक आ रही है। भाई ने बॉडी स्प्रे लगाया हुआ है। बहुत ही खतरनाक चीज है बॉडी स्प्रे। किसी भी शक्ल में नमूदार हो जाती है, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अप्पी भैया आप पहुंच गए हैं। कभी भाई बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं, कभी भांजा बन जाते हैं, कभी कुछ, पहुंच गए आप। और जान लेकर ही जान छोड़ता है। हाँ। अप्पी भैया कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिन मेरे बच्चों की जान छोड़ के उसी बहन पे चढ़ जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ मर्दों पर ही आते हैं जिन। ये बताएं मरीज कहाँ है? तुम जाना, मुझे पता लोगों ने, मैं नहीं जा रही, जी मुझे पता कर रहा है, तुम इनको लेके जाओ। मैं ले जाता हूँ। आइए आइए आइए, आप आइए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सौ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सौ। बच्चू भाई ये क्या कर रहे हैं आप? भाई रुक जाओ, ये कौन है? नदा गदली गान। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये बता के तू कौन है? मुन्नू भाई मोटर चले पम 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 पम, मोटर चले चम 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 चम, आटने की जालिया भरने का पान, चम 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 चम, चल मेरे घोड़े इंग्लिस्तान, चल मेरे घोड़े इंग्लिस्तान। क्या कर रहे हैं यार आप, ये क्या कर रहे हैं? आपने उनका इलाज करना, आप उनके साथ चम चम खेलना। बस वो पुरानी स्कूल की यादें ताजा हो गई, वो खो खो खेलना, वो छम छम खेलना, वो फालसे का शरबत, वो चाट और चाट वाला बार बार खटाई डलवाना, क्या दिन थे वो। ओ भाई आपके शौक गिनवाने के लिए नहीं बुलाया आपको, ये मेरे भाई का इलाज करे आप। भाई इलाज? किसका इलाज? इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को है। अब हाँ भाई, कहां तक बात पहुंची? बाजी आ गई। बाजी देखे ना, ये दोनों मुझे खेलने नहीं दे रहे। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बता कहां से आया है, वरना ऐसा मंत्र पढ़ूंगा सब खुल के सामने आ जाएगा। मेरे भाई मंत्र अब पढ़ भी लो। मुझे सपनों में रोज बुलाए, दुपट्टा मेरा मले मले का, दुपट्टा मेरा मले मले का। क्या यहाँ पे अजीब मुर्गी मुर्गी हरकतें करनी शुरू कर दी है?
अबे भाई आप तो कह रहे थे ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, ये सब क्या है? हाँ तो खुल के सब सामने आ गया, यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर ये फैमिली है कहाँ से। हाँ बोलो। पिज़्ज़े का ऑर्डर आपका था? नहीं तो एड्रेस तो यही लिखा है, खट्टा मीठा हाउस। एड्रेस तो यही है लेकिन ऑर्डर तो मैंने नहीं दिया, फ्री में खिलाना है तो खिला जाओ। 2000 के पिज़्ज़े के साथ कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्री है मैडम। ऐसा करो कि कोल्ड ड्रिंक दे जाओ और पिज़्ज़ा ले जाओ। आप सीमा? अच्छा तो ये ऑर्डर सीमा ने दिया है अब। हाँ मैं ही सीमा हूँ। लेकिन जो डेटा शो हो रहा है उसमें तो ये फोटो नहीं है, उसमें तो बड़ा मुँह है। अच्छा ठीक है, ये पिज़्ज़ा ले और मेरी पेमेंट दे दें। अरे बाबा पैसे सीमा के खाते में डाल दो। सीमा के खाते में? लेकिन सीमा का तो कोई खाता ही नहीं है। अरे बाबा तो ऐसा करो कि खाता खोलो, कौन सी देर लगेगी। बाबा बहुत मजे का, मुझे भी बनाने आता है। अच्छा लाए मेरे पैसे दे दें। अरे बाबा ऐसा करो कि तुम बाद में ले जाना। मैडम हम उधार नहीं करते। अरे बाबा तो फिर वापस ले जाओ। लेकिन ये तो खराब कर दिया है आपने। अरे बाबा तुम क्या हुआ, तुम तो फैक्ट्री में काम करते हो ना, दूसरा बना लेना। मैडम ये पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे। अच्छा तो भला फिर एक काम करो, ऐसा करो कि आधा तुम खा लो आधा मैं खा लेती हूँ। इससे क्या होगा? अरे बाबा इससे ना मुझे कोई तकलीफ होगी ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा। ये लो खा लो टाटा बाय बाय। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। बता क्या नाम है तेरा और क्या चाहता है? ठीक है वकील साहब, पूछे जो पूछना है। वकील है? तुम तो कहते हामिल है। बच्चों की बात ज्यादा गौर से मत सुने आप, इस वक्त किसी को भी वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मजबूरी किताबे परवान अल प्यार, मेरा नाम मजबूरी किताबे परवान अल प्यार, मेरा नाम। अप्पी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये जिन बहुत ही चलाक है और इसने मेरी कमजोरी पकड़ ली है। अप्पी मियां एक बात बता, इसका इलाज कर दो वरना मैं ना तुम्हारी गर्दन पकड़ के मरोड़ दूंगी। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। बता भाई आखिर तू चाहता क्या है? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली अखुली उल्फ। ओ भाई बस करो, चुप करो तुम। अब्बी मियां तुम यहाँ इलाज करने आए हो या क्लासिकल डांस की क्लासें देने आए हो? मैं क्या कर सकता हूँ, बात ही ऐसी कर देता है कि खुद पे काबू नहीं रह पाता, तन बदन में आग सी लग जाती है। आप रुके एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करके अभी आता हूँ। भाई ये मेरे बस से बाहर, लेकिन एक दवाई है मेरे पास। तो से क्या होगा? जिसको पिलाने से इसका जिन उतर जाएगा। क्या? लेकिन ये कि इसका जिन तो उतर जाएगा लेकिन इसका जिन किसी और पर चढ़ जाएगा। है? दवाई है कहाँ, वो तो दो। अच्छा तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, पहले क्यों नहीं दी दवाई? अब करना क्या है, कैसे पिलानी है? ये कह रहा है कि दवाई को पानी में डालना है, अच्छी तरह घोलना है और इनके मुंह में उंडेल देनी है। अच्छा तो पानी लेके आओ, मैं इसको पकड़ता हूँ। अरे कहाँ गया भाई? अरे बेग साहब किधर जा रहे हो? अरे जरीना कैसी है भाई? अरे बाबा मेरे को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप किधर चुप चुप के जा रहे हो, भला क्या पुलिस की नौकरी छोड़ दी? नहीं भाई नहीं। तो भला ये चोरों की तरह चुप चुप के किधर जा रहे थे? अच्छा बताओ भाई ये क्या खा रही हो? अरे बाबा पिज्जा है, खाएंगे? नहीं नहीं भाई मैं तो घर से खाना खा के आया हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसमें मिर्ची तो तेज नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल फीका है। अच्छा अच्छा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे बनता है? अरे बाबा मेरे को पता नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं। अरे भाई खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बच्चू बाबा अंदर है, वो आमिल आया है, उसका इलाज हो रहा है। अच्छा तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा जाओ। अच्छा तो क्या पिज्जा सारा खत्म हो गया? अरे पापा खत्म हो गया ना क्या, भला मैं फारसी में बोल रही हूँ। अच्छा 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 तो मैंने कौन सा खाना था? बच्चू बात सुनो,
अरे बच्चू बच्चू बात तो सुनो। बच्चू भाई बच्चू भाई बात। अरे आंटी आप मेरे पीछे क्यों लगी है? मैंने नहीं पीनी। बच्चू मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, कैसे समझाऊं? खबरदार जो मेरे कोई करीब आया चला के भस्म कर दूंगा। बच्चू भाई प्लीज पी लेना दवा। तू तो चुप रहे, सीमा से दूर आकर मुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है। शराफत से दवाई पीता है कि नहीं? तेरे मुंह से ना ये भरमबाजी अच्छी नहीं लगती। बच्चू तुम्हें मेरी कसम पी लो ना। कसम तो ऐसे दे रही है जैसे मैं शोहर हूँ आपका। हाँ तुम मेरी शोहर ही हो। अल्लाह शर्म करें आंटी, आप इतनी बड़ी हैं मुझसे। कुछ कर रही हूँ। लगता है कि तुझे जलाना ही पड़ेगा। मुझे जलाएगा तू? है मुझे जलाएगा? मुझे जलाएगा? खबरदार जो मेरे करीब आया, कच्चा चबा जाऊंगा मैं सबको। सीमा पुप्पो देखिए ना ये सब तंग कर रहे हैं मुझको। ए जा जल्दी से एक पाव चिमगादड़ लेकर आओ। और तुम्हें पता है मैं इस बच्ची पर कैसे आया था? कैसे? आम के दरख्त के नीचे जैसे ही आया मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इस पर आ गया और अब मैं जिंदगी भर इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। बच्चू अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो एक बात मान लो कि मेरी ये मिस बोले बताए क्या कह रही है बोले। बच्चू मेरे काम करो, गुलाम अली साहब की गजल सुना दो। आला आप मिस क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे वाह वाह क्या आइडिया आपके दिमाग में आया। वाह भाई वाह 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 इससे अच्छी तरकीब हो ही नहीं सकती थी। भाई वाह पर जानी क्या इसको बेचारे को दवाई पिलाना जरूरी था, बेहोश हो गया। ऐसे लगता है जिन निकल गया इसमें से। सुनो आमिर बाबा ने कहा था अगर इसका जिन निकला तो वो जरूर किसी और में जाएगा। तुम जानी तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। हेलो आंटी। आधाने की छानिया आधाने का पान, आधाने की छानिया आधाने का पान। बाबा जानी मुझे ले जाते बाबा साहब। नहीं बाबा मुझे ले जाते। सेठ साहब को सुजुकी थोड़ी लेके गए जो सबको साथ ले जाते। शादी हो गई तुम्हारा? ये कौन बोला? मैं बोला शादी हो गई आपकी। आपको इससे मतलब? हमने अपने घर लेडी गागा को बुलाया था। लेडी गागा? इतना गा? ये मैयत बैठ कैसे गई? मैंने खुद बिठाई है, मैंने खुद, क्योंकि मैयत की कमर में दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये बताओ कड़ी की रोटी कब खुलेगी? अरे बाबा मीठे चावलों के बाद। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा